तो मिचेल स्टार्क के आने के बाद किस तरह की होने वाली है कोलकाता नाइट राइडर्स की बिल्कुल नई प्लेइंग 11, कौन कौन से यहां पर होंगे बदलाव आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को कर दीजिए एक लाइक, और आपके हिसाब से दोस्तों केकेआर का ये फैसला किस तरह का आपको नजर आ रहा है जो इन्होंने खरीदा है मिचेल स्टार्क को, कमेंट कर हमें जो है वो जरूर बताएं। दोस्तों ऑक्शन से पहले ही कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम एक्शन में हमें जो है वो नजर आ रही थी, बड़े बड़े प्लेयरों को इन्होंने रिलीज किया था। गौतम गंभीर को ये टीम अपने सपोर्टिंग स्टाफ में लेकर आई कि ऑक्शन में गौतम गंभीर कुछ कारनामा करे, एक अच्छा स्क्वाड बनाकर जो है वो दे। और गौतम गंभीर ने ऑक्शन में दोस्तों सबसे बड़ा कारनामा किया और सबसे तगड़ी बोली जो है वो लगा दी मिचेल स्टार्क के ऊपर। 24.75 करोड़ रुपीस में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने मिचेल स्टार्क को जो है वो खरीद लिया है। और मिचेल स्टार्क के आने के बाद यहां पर केकेआर की टीम एक काफी अच्छी टीम हमें नजर आ रही है। मिचेल स्टार्क के अलावा भी कुछ अच्छे अच्छे प्लेयर इन्होंने जो है वो बाय किए, जिनमें चेतन सकारिया का हम नाम रख सकते हैं, मनीष पांडे को दोस्तों इस टीम ने जो है वो खरीदा है, मुजीबुर रहमान को ये टीम जो है वो खरीद कर लेकर आई है। इसके अलावा केएस भरत जैसे प्लेयर्स के ऊपर भी इन्होंने बोली जो है वो लगाई है। तो ऑन एन एवरेज एक अच्छा इनका ऑक्शन जो है वो गया, बहुत अच्छा भी हम नहीं कह सकते और खराब भी नहीं कह सकते, एक यहां पर अच्छा ऑक्शन कोलकाता नाइट राइडर्स का जाता हुआ हमें जो है वो नजर आया, जिनमें सबसे बड़ी बाय थे इनके मिचेल स्टार्क। अब दोस्तों स्टार्क के आने के बाद किस तरह की प्लेइंग 11 होगी इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो मिचेल स्टार्क की एंट्री तो बिल्कुल कंफर्म है, प्लेइंग 11 में होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा चेतन सकारिया को इन्होंने खरीदा है, ये भी हमें प्लेइंग 11 में जगह बनाते हुए नजर जो है वो आ सकते हैं। चलिए प्लेइंग 11 की तरफ बढ़ते हैं। तो गुरबाज हमें वेंकटेश अय्यर के साथ ओपन करते हुए जो है वो नजर आएंगे। इनके लिए सबसे अच्छी बात यह कि सुरेश अय्यर जो इनके कैप्टन है उनकी वापसी होगी, नंबर 3 पर हमें खेलते हुए नजर आएंगे। चौथे नंबर पर नीतीश राणा होंगे, तो 5वें नंबर पर होंगे रिंकू सिंह, 6ठे नंबर पर आंद्रे रसल, तो 7वें नंबर पर होंगे सुनील नरेन। नंबर 8 पर एंट्री होगी यहां पर मिचेल स्टार्क की, 9वें नंबर पर होंगे यहां पर सुयश शर्मा, 10वें नंबर पर वरुण चक्रवर्ती और 11वें नंबर पर हमें चेतन सकारिया प्लेइंग 11 का हिस्सा बनते हुए जो है वो आएंगे नजर। चेतन सकारिया की जगह पर यहां पर हर्षित राणा भी एक अच्छा ऑप्शन है, इन्हें भी मौका जो है वो मिल सकता है। तो इनमें से कोई एक खेलता हुआ नजर आएगा और कुछ इस तरह की प्लेइंग 11 हमारे हिसाब से बन रही है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की। आपको कैसी लग रही है प्लेइंग 11, क्या आपके हिसाब से ये है बेस्ट प्लेइंग 11, कमेंट कर हमें जो है वो जरूर बताएं। फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। इससे पहले हम 2 टीमों की वीडियो बना चुके हैं, उनको आप जाकर देख सकते हैं, और अगली टीम की वीडियो देखने के लिए जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब।